आपके समक्ष भी आवाज रुकनी नहीं चाहिए। मोदी मोदी जो पैदा करे खाई समझ लेना वही है भाजपाई। मंच पर बज रहे गीतों में जयकारों और चुनावी नारों के बीच अखिलेश यादव का ये बयान पश्चिमी यूपी में विपक्ष के सियासत का पूरा सार है। जो पैदा करे खाई वही है भाजपा। क्योंकि पश्चिमी यूपी में अखिलेश और जयंत की जोड़ी उस जाट मुस्लिम समीकरण को साधने और फिर साथ लाने की कोशिश में है, जिनके बीच की दूरी ने पिछले चुनाव में बीजेपी को इस इलाके में सबसे बड़ी पार्टी बनने का मौका दे दिया था। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 110 में से 88 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसकी बड़ी वजह 2013 के बाद जाटों का बीजेपी की तरफ झुकाव रहा। अब अखिलेश यादव बीजेपी को समाज के बंटवारे का जिम्मेदार बता रहे हैं और मेरठ के मंच से भाईचारे वाला नारा दोहरा रहे हैं। जो पैदा करे खाई समझ लेना वही है भाजपा। जो पैदा करे खाई वही है भाजपा। और अगर भाईचारे के लिए कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी आरएलडी भाईचारे को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। अखिलेश जयंत की साझा रैली में भाईचारे वाली बात हर कोई दोहराता नजर आया और आपसी एकता से बीजेपी को हराने का भरोसा जताया। जो खास बातचीत है वो आपको हम टोपी दिखाते हैं। ये है टोपी जिस पर लिखा हुआ है भाईचारा जिंदाबाद, और तमाम लोगों ने ये टोपी आप पहन भी रखी है। ये भाईचारा जिंदाबाद का नारा क्यों देना? भाईचारा जिंदाबाद का नारा इसलिए देना पड़ा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भाईचारे को खत्म करके हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव लड़ना चाहती है। ये देश सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, सभी जातियों सभी धर्मों का है। भारतीय जनता पार्टी विखंडन की राजनीति कर रही है, इसलिए हमको भाईचारा पड़ा। पश्चिमी यूपी में इस बार जाट मुस्लिम वाले जोड़ का असर भी दिख रहा है, क्योंकि आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी के किसान बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक किसान आंदोलन से पश्चिमी यूपी के 14 जिले प्रभावित हैं। पश्चिमी यूपी की करीब 71 सीटों पर किसान आंदोलन का असर है और इसी आंदोलन से उठी लहर के दम पर जयंत चौधरी भी पश्चिमी यूपी में बीजेपी के सफाए का दम भर रहे हैं। शुभ संकेत है, उत्तर प्रदेश के नौजवान तरक्की चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, विकास चाहते हैं, यहाँ के किसान न्याय चाहते हैं। जिस तरह से हमने किसानों की लड़ाई लड़ी, 2022 का चुनाव किसानों के लिए करो या मरो का चुनाव है। उधर जाट मुस्लिम के साथ बीजेपी नेता 2013 के दंगों की याद दिला रहे हैं। जनता विकास को साफ देख रही है, जनता कामों को देख रही है, जनता ने इनके 12 से 17 के शासन को देखा है सपा के, और जाट लैंड में भी देखा है। 13 में किस तरह का भीषण नरसंहार हुआ, कैसे सपा की सरकार ने जाटों के साथ सलूक किया। जाट 500 साल की बात नहीं भूले हैं जी, बात समझ लो। जब मुगलों ने जाटों के साथ जो सलूक किया, तो जाट 13 की बात नहीं भूल सकते। बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि किसान आंदोलन का चुनावी असर नहीं है, फिर भी अगर यहाँ लड़ाई कड़ी हुई तो बीजेपी ने इसकी भरपाई पूरब से करने की पूरी तैयारी कर ली है। यही वजह है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ साथ पीएम मोदी भी लगातार पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं और बीजेपी की जीत का दम भर रहे हैं। निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं, यही डबल इंजन का डबल विकास है। इसलिए डबल इंजन की सरकार पर यूपी को विश्वास है। गोरखपुर को सौगात के बाद अब 13 दिसंबर को काशी कॉरिडोर के लोकार्पण की भव्य तैयारी है, जिसमें पीएम मोदी के साथ बीजेपी शासित सभी राज्यों के सीएम वाराणसी पहुंचेंगे। बीजेपी पूर्वांचल के सहारे सत्ता वापसी का जोर लगा रही है, साथ ही विपक्षी दलों के परिवारवाद और क्षेत्रवाद वाली सियासत पर सवाल उठा रही है। पार्टी के बारे में हम क्यों विचार करेंगे और जनता क्यों विचार करेगी? जनता ईमानदारी के नाम पर वोट देगी,
जनता विकास के नाम पर वोट देगी, जनता राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देगी, जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद और गोत्रवाद या ट्रस्ट के नाम पर तो वोट नहीं देंगे ना। क्या गुंडागर्दी करना है राज के अंदर, क्या लूटना है, क्या किस लिए हम वोट देंगे? पूरब से पश्चिम तक पक्ष और विपक्ष अपने अपने समीकरण बिठा रहा है और यूपी में जीत के लिए हर दांव आजमा रहा है। गोरखपुर से कुमार अभिषेक और मेरठ से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।